हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं BRL 108 रिटेल ऑपरेशन एंड स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से यूनिट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर इसमें से कर सकता है, पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में, तो वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट नंबर वन है जो आपका, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट यूनिट है कस्टमर बाइंग बिहेवियर इन रिटेल। तो सबसे पहला इसमें यही क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग बाय द कंज्यूमर इन द प्रोडक्ट कैटेगरी, कि जब वो प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं तो किस तरह के डिसीजन एक कंज्यूमर जो है वो लेता है। फिर इसी तरह से इन्फ्लुएंस ऑफ द डेमोग्राफिकल फैक्टर इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टेज इन द लाइफ साइकिल। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ द परसेप्शन एंड मेमोरी, परसेप्शन और मेमोरी का उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर टू है हमारे पास, और चैप्टर नंबर टू से देखिएगा क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे चैप्टर टू की। इसमें से टॉपिक है जो हमारा देखिएगा, तो इसमें से कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर लॉयलिटी किस तरीके से अचीव होती है, क्या उसमें फैक्टर्स रहते हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं और प्रोसेस क्या है। दूसरा क्वेश्चन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके बेनिफिट और CRM प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा RFM क्या होता है, कस्टमर पिरामिड क्या होता है, दो क्वेश्चन आपके ये बन जाएंगे। ठीक है, बस। एंड फीचर्स ऑफ गुड क्वालिटी सर्विसेज, कि गुड क्वालिटी सर्विस के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट है चैप्टर थ्री, स्टोर साइट सिलेक्शन। तो इसमें से बच्चे क्वेश्चन देखिएगा, टाइप्स ऑफ लोकेशन एंड चॉइस ऑफ ए जनरल लोकेशन, कैसे एक साइट लोकेट करते हैं और कितनी तरह की होती है, एंड हाउ यू चूज अ जनरल लोकेशन, कि एक जनरल लोकेशन चूज़ करने के लिए क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हम चूज़ करते हैं। ठीक है, आपके लिए ये वाला इम्पोर्टेंट जो है वो टर्म बन जाएगा। चैप्टर फोर देखिएगा, चैप्टर फोर में बेसिकली क्वेश्चन देखिए स्टोर लेआउट के हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि जैसे डिस्कस द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द स्टोर लेआउट मैनेजमेंट, कि जब एक स्टोर लेआउट मैनेजमेंट करी जाती है तो उसमें कौन कौन से आपके जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्लानिंग एंड इट्स एलिमेंट, क्या क्या इसके एलिमेंट हैं। टाइप्स ऑफ फिक्स्चर्स, कितने तरह के जो फिक्स्चर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द स्टोर डिज़ाइन, एक स्टोर डिज़ाइन के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद चैप्टर फाइव है मर्केंटाइज प्लानिंग का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्रोसेस फॉर द मर्केंटाइज प्लानिंग एंड नीड ऑफ मर्केंटाइज प्लान, सिलेक्शन ऑफ मर्केंटाइज सोर्सेज, कौन कौन से मर्केंटाइज सोर्सेज हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चैप्टर सिक्स।